हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेनिया इन लाइफ स्माइल। अब वो भी पढ़ेंगे जिनको पढ़ाई समझ नहीं आती। आज जो है हम टॉपिक 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे बेसिकली हमें 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इसको हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। स्टार्टिंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर नीडेड टू अचीव द इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है आपका, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। एंड ये जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल का इकोनॉमिक गोल जो होता है वो इसी के थ्रू अचीव किया जाता है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक टर्म मीन्स इट इज रिलेटेड टू मनी। It refers to the utilization of human and physical resources available in the organization, considering the interest of all stakeholders. तो आप जो है ध्यान से ये बात समझेंगे, जो हमारा organizational या economic objectives होता है, ये human या physical resources को utilize करके, जो भी हमारे organization में human resource हैं या फिर physical resource हैं, उनको utilize करते हैं। and जितने भी हमारे company के stakeholders हैं, stakeholders मतलब कि वो parties which are affected by the organization's profit, ठीक है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन से किसी ना किसी वे में रिलेटेड हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, लाइक सप्लायर्स, कस्टमर्स, आपके ओनर्स मीन्स शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, तो ये सारे आपके क्या हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आप एक सिंपल वर्ड में समझ सकते हो कि ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। बिना इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क नहीं कर सकती। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो है 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज ग्रोथ। तो हम बारी बारी समझ लेते हैं कि ये सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल में क्या है कि आपको जो है मार्केट में एग्जिस्ट करना है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी कॉस्ट है, मतलब जितना भी आप खर्चा कर रहे हो उसको आपको कवर करना है बाय अर्निंग सम मनी। ठीक है, तो जो आपकी रेवेन्यू है वो आपकी कॉस्ट को अगर कवर कर ले रही है, इसका मतलब क्या है कि आप जो है मार्केट में सर्वाइव कर गए हो। सेकेंड वन इज प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, ये जो है एडिक्वेट अमाउंट आपको अर्न करना होता है ताकि आप ग्रो एंड सर्वाइव कर सको। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। जो भी आप काम कर रहे हो, आप जो है प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही काम कर रहे हो, बिना प्रॉफिट अर्न किए जो है बिजनेस का कोई भी मतलब नहीं होता है। एंड थर्ड वन इज ग्रोथ, मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। तो सीधी सी बात है, आपने प्रॉफिट अर्न किया, वो प्रॉफिट पूरा पूरा आप जो है रिटेन नहीं कर सकते। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो है वो प्रॉफिट आपको वापस से अपने बिजनेस में लगाना है ताकि आपका बिजनेस और ग्रो करे। अगर जो है आपका बिजनेस और ग्रो नहीं करता है तो ये लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि 2 बंदे हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए ने जो है एकदम पॉश एरिया में अपनी शॉप खोली है, आइसक्रीम पार्लर खोला है, एंड मिस्टर बी ने ऐसी जगह पे आइसक्रीम पार्लर खोला है जहाँ पे कोई भी आते जाते ही नहीं है, मतलब लोग ही आते जाते नहीं है। तो ऑब्वियस वाली बात है, मिस्टर ए जो है वो जो पॉश एरिया में आइसक्रीम पार्लर खोले हैं उनकी जो है आइसक्रीम बिकेंगी एंड जो है वो इतना अर्न कर पाएंगे कि वो अपने कॉस्ट को कवर कर पाए। मींस मिस्टर ए का बिजनेस जो है सरवाइव कर गया है, लेकिन मिस्टर बी ने जहां पे बिजनेस खोला था वहां पे जो है कोई भी आ जा नहीं रहा है, तो वो जो है बिजनेस वहीं पे फ्लॉप हो जाएगा। वो तो इतना भी अर्न नहीं कर पाएंगे कि वो अपना खर्चा सारा उठा पाए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको सर्वाइव करना है। अब जो है अगर आपका बिजनेस सर्वाइव कर गया तो धीरे धीरे जब आप बिजनेस करते रहोगे, कुछ ना कुछ जो है आप
प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करोगे। एंड फिर जो ये प्रॉफिट होता है इसको क्या करना है, आपको अपने बिजनेस में वापस से लगाना है। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने एक छोटी सी शॉप खोली थी, आइसक्रीम पार्लर खोला था, ठीक है, उससे जो है प्रॉफिट अर्न करते करते अब उसने 2-story बिल्डिंग बनवा ली है, एयर कंडीशनड पूरा स्टोरे है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से उसने अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस में वापस से लगाया एंड जो है अपना बिजनेस उसने ग्रो कर लिया। तो वैसे ही आप सेम एग्जांपल पुट कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर को सबसे पहले ये देखना है कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव कर रहा है कि नहीं। जब वो सर्वाइवल स्टेज पे पहुंच जाएं तो फिर उनको प्रॉफिट अर्न करना है एंड प्रॉफिट अर्न करके वापस अपने बिजनेस में लगाना है ताकि जो है वो अपना बिजनेस और ग्रो कर सके। एंड अगर ग्रो नहीं करेंगे तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल के लिए ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होप इट इज़ क्लियर। Moving on to the second objective, that is social objective. It refers to the objective which are desired to be achieved for the benefit of the society. ठीक है, ये social objectives वो objectives होते हैं जो society के benefit के लिए achieve किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप एक चीज समझ सकते हो, हम जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज ऑब्वियसली यूज़ करते हैं। अगर हमारा कोई बिजनेस है, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम रिसोर्सेज कहाँ से ले रहे हैं, सोसाइटी से ले रहे हैं। चाहे वो रॉ मटेरियल है वो भी हम सोसाइटी से ले रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है मतलब जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो भी हम सोसाइटी से ले रहे हैं। तो अगर सारी चीज़ें हम सोसाइटी से ले रहे हैं, सोसाइटी में रह के काम कर रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम भी जो है अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो यही सेकेंड ऑब्जेक्टिव में हमें पढ़ना है, डैट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के सोशल ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। पहला क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल प्राइस पे बनाना है, आपको रीजनेबल प्राइस पे बना के रीजनेबल प्राइस पे उसको बेचना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा अगर आप बेचोगे तो आप मार्केट में लॉन्ग रन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एंड अगर जो है किसी को आप बहुत महंगा सामान बेच रहे हो तो वो एक बार तो धोखा खा सकता है, दो बार धोखा खा सकता है, लेकिन फिर वो क्या करेगा, वो किसी और ब्रांड पे स्विच ओवर कर जाएगा, वो आपके पास वापस से नहीं आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो है रीजनेबल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं। थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आपको, आप जो है ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आप अकेले जो है सारा काम नहीं कर सकते, तो आपको करना क्या है, आपको और लोगों को एम्प्लॉय करना है। आपको जितने लोगों की ज़रूरत है आप जो है उतने लोगों को इन्वॉल्वमेंट से, अपनी सोसाइटी से जो है आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जितने भी लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनका भी घर परिवार चल पाएगा, वो भी जो है कुछ अर्न कर पाएंगे एंड जो है अपनी फैमिली को वो खिला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेल्थ यहाँ पे जो है हमारा फोर्थ पॉइंट है। इसका मतलब इट इज रिलेटेड टू आवर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि आपको जो है अपनी कंट्री का वेल्थ जो है इंक्रीज करना है। नेक्स्ट, एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, आपको हेल्थ प्रोग्राम्स चलाने हैं, आपको अदर वोकेशनल प्रोग्राम्स के इनिशिएटिव लेने हैं ताकि जो है लोग एजुकेटेड फील करें, वो हेल्दी रहें। ठीक है, एंड जो है वो कुछ नया नया सीख पाएं। आपको जो है टाइम टू टाइम सोसाइटी के लिए, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ करना है। नेक्स्ट, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आप प्रोडक्शन मेथड्स अडॉप्ट करोगे वो इको फ्रेंडली होने चाहिए, वो ऐसे मेथड्स होने चाहिए जो आपके एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाएँ। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आपको जो है कुछ भी जो गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, वो जो है नहीं अडॉप्ट करनी है। इसका मतलब जैसे आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि लोगों ने मिक्स करके सामान बेच दिया, गेहूं है उसमें कंकड़ मिला करके बेच दिया, कंकड़ का भी पैसा वसूल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, अगर आप मिलावट करके सामान बेचोगे, अपने गुड्स को बेचोगे, तो लोग जो है एक दो बार चीटेड फील करेंगे बट फिर वो आपके पास नहीं आएंगे। तो आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अवॉइड करना है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल्स एंड क्रेचर्स टू एम्प्लॉयज। तो ये भी जो है आपका एक तरीके से सोशल ऑब्जेक्टिव है कि आपको स्कूल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, क्रेचर्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। एंड द लास्ट वन इज कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर। आपको क्या करना है, आपको अपना बिजनेस जो है बिल्कुल सही तरीके से लीगल वे में कंडक्ट करना है। नेक्स्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स टू बी डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपके एम्प्लॉयज को, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, उनके रेस्पेक्ट में होते हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ कोई भी काम कर रहा है तो उनको अगर आप अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, अच्छी सैलरी दोगे, तभी वो आपके यहाँ काम करेंगे, नहीं तो जो है अगर वो मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे तो वो भी अच्छे से काम नहीं करेंगे। There are various personal objectives. First one is competitive salary. आपको जो है जो भी आपके यहाँ employees काम कर रहे हैं उनको आपको अच्छी salary provide करनी है, good working conditions देना है। ठीक है, मान लो कि factory है, factory में light ही नहीं चल रही, अंधेरे में काम करवाया जा रहा है, तो भी workers काम नहीं कर पाएंगे। Next is peer recognition. Peer का मतलब होता है same level पे जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको recognize करें। मतलब कि मान लो same level पे, यहाँ पे आप horizontal hierarchy देखते हो कि जो बंदे आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वो आपको रिकॉग्नाइज करें, मान सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें आपको। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। टाइम टू टाइम क्या करना है आपको, आपके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनको जो है डेवलपमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज जो है और अच्छे से काम करना सीख पाएंगे, एंड अगर वो और अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से काम करना सीख लेंगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से और मेहनत से काम करेंगे। नेक्स्ट इज सोशल रिकॉग्निशन। तो सोसाइटी में जो है मान सम्मान, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो है उनको एक रेस्पेक्ट अगर मिलेगी आपके एम्प्लॉयज़ को, तब जो है वो और अच्छे से काम करेंगे। एक सीधी सी बात है, जैसे मान लो कि कोई बंदा बोलता है कि मैं BHU में हूँ, ठीक है, मैं BHU में एम्प्लॉय हूँ, तो इट्स लाइक कि BHU का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में एक स्टेटस उनका बन जाता है कि नहीं, ही बिलोंग्स टू BHU। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, सोशल रिकॉग्निशन हो गया। नेक्स्ट इज पर्क्स एंड परक्यूसिट्स। जो अदर फैसिलिटीज होती हैं वो भी आप एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, ठीक है, बोनस वगैरह आप दे सकते हो, मतलब कि अदर फैसिलिटीज जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो इम्प्लॉयज को, वो जो है आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन एंड पर्सनल ग्रोथ। इम्प्लॉयज जो है वो ये चाहते हैं कि अगर वो मेहनत से काम कर रहे हैं तो उनका जो है प्रमोशन हो, अगर उनका प्रमोशन होगा तो वो जो है और अर्न कर पाएंगे। तो ये भी क्या होता है इम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, वो जो है प्रमोशन पाने के लिए जो है और ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। यही सारे टॉपिक्स थे। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर जो है आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।